हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी एंड मॉम। कैसे हैं आप लोग? हो आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया रेसिपी लाए हैं, वेज कोल्हापुरी, या इसको मिक्स वेज रेसिपी भी बोल सकते हैं, जो कि अच्छी ग्रेवी के साथ होटल जैसी है। आप भी ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए हमने सामान ले लिए हैं, यहाँ पे कॉर्न है, यहाँ पे बीन्स, प्याज, देख सकते हैं मैंने प्याज को कैसे कटिंग किया, कटिंग करके उसका एक एक परत निकाल दिया है। जो भी वेजिटेबल्स कटिंग है आपको बड़े बड़े कटिंग करना है, एकदम पतला पतला, और एकदम छोटा छोटा नहीं कटिंग करना है। यहाँ पे अपना कैप्सिकम, इसको भी मैंने इतना बड़ा बड़ा काट लिया है। बीन्स का भी देख सकते हो साइज मैंने कैसा कटिंग किया है। और ये थोड़ा सा पनीर, जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में उसको मिला के बना सकते हैं। मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है क्योंकि हम सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक बीन्स डाल के देखना है हमें कि हमारा ऑयल पक गया है कि नहीं। अगर ऑयल गर्म हो गया होगा तो हम सारा वेजिटेबल्स डाल के एक एक करके उसको फ्राई करेंगे। देख सकते हो मैं इसमें चेक कर रही हूँ, अगर हम डालते हैं तुरंत हमारा तेल के ऊपर आ जाता है, समझ जाइए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हमने बीन्स डाल दिया है और बीन्स को अच्छी तरीके से मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाना है, इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो क्रंची नहीं से आना चाहिए बीन्स में, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और ऐसे ऐसे पकाने से क्या होता है, सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से पक जाती है और टेस्टी भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसको हमें थोड़ा हल्का सा रेड होने करके फिर निकाल देना है। देख सकते हैं रेड हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाना है। उसी तेल में हम क्या करेंगे, जो आगे का वेजिटेबल्स हमारे पास था गाजर, उसको डाल के उसको भी लो मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, सबको एक साथ में ही पका लेंगे। सबको हल्का रेड होने तक पकाना है, थोड़ा हल्का नरम हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए आप। ऐसे देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का रेड हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। 2 मिनट पका के इसको निकाल दीजिए आप। इसे चेक कीजिए, अगर हल्का नरम हो जाए तो आप निकाल दीजिए। अब इसको हम निकाल देंगे उसी थाली में जिसमें हमने बीन्स निकाला था। अब उसी तेल में हम क्या करेंगे, प्याज डाल देंगे। पहले प्याज को आपको ऐसा कटिंग करके उसका एक एक परत निकाल देना है। और पनीर डाल देंगे और इस टाइम हम अपना गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। जब पनीर डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए, क्योंकि पनीर में पानी रहता है जो पानी छोड़ता है, ऑयल और पानी मिक्स करके जो ऑयल का गर्म रहता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसके लिए गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो तुरंत ऑयल हमारा वापस गर्म हो जाएगा। देख सकते हैं ऑयल भी गर्म हो चुका है और पनीर भी हल्का रेड हो गया है। इस टाइम हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है क्योंकि पनीर चिपकने लगता है कढ़ाई में। इसको भी निकाल दीजिए। अब उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, मसाले डाल देंगे। हमने मसाले की रेसिपी बता के रखा है पहले से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, सिंगदाना, टमाटर का पेस्ट बना के हमने पहले से बना के रख लिया है। और इसको उसमें हम उसी कढ़ाई में डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपको ये मसाले की रेसिपी देखना है तो आप हमारे लिंक पे जरूर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ऐसा मसाला रेडी करके रखते हैं तो इंस्टेंट सब्जियाँ बन जाती है, हमें मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही मसाला मैंने डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया है, उसी ऑयल में डाल के उसी मसाले को पकने को रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, आधा ग्लास, क्योंकि मसाला ऑलरेडी पका हुआ था, बस थोड़ा सा उसको और पकाना था। ज़्यादा इसको गीला नहीं खाते हैं, ये थोड़ा सूखा ही रहता है सब्जी। देख लो मसाला हमारा पक रहा है, एकदम हाई फ्लेम पे पकाना है हमें। इसको ऐसे चलाते रहिए, हाई फ्लेम पे पकाते रहिए ताकि मसाला नीचे की तरफ जले नहीं।
अब हम क्या करेंगे, जब मसाला पक चुका है तब उसमें हम क्या करेंगे, जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखे थे सारे वेजिटेबल्स में डाल देंगे एक साथ में, क्योंकि मसाला पूरी तरीके से हमारा पक चुका है। मसाला को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर आपने पका हुआ मसाला बना के पहले से रखा है तो 5 मिनट तक उसको अच्छी तरीके से पका के आधा गिलास पानी डाल दीजिए, फिर सारे वेजिटेबल्स उसमें डाल दीजिए एक साथ में। अब इसको 2 से 3 मिनट हमें पकाना है ताकि वेजिटेबल्स में सब्जी अच्छी तरीके से मसाले ग्रेवी जो है मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और उसको धीरे धीरे अच्छी तरीके से पकने दीजिए, 2 से 3 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। इसमें एक हल्का सा अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए, देख सकते हैं बॉईल आ चुका है। अब इसको ऐसे ही हमें पकने देना है। अगर आपको लगता है कि सब्जी में बहुत पानी है या बहुत गीली है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा और पका सकते हैं। लास्ट में आप 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दीजिए। जब सब्जी पक जाए तब उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके ऊपर से कसूरी मेथी डाल सकते हैं आप। सब्जी हमारी बन के पूरी तरीके से रेडी है, आप सर्व कर सकते हो। ये देखिए सब्जी हमारी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। और गाइस बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, ऐसी बनाइए आप। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने अब तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेसिपी आने वाला कोई भी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। ये हमारा वेज कोल्हापुरी तैयार।